ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रदोष का व्रत और उसकी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था, तो उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा ही उसको रखने लगी। तो एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। तो एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे, उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा तो राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। तो अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ ले आया तथा साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल से भी उसको अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करने लगे और कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागम भर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात नकाऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेश महामारी गिरायौ, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न पावे, त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाँचे सो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीष नवावें, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र हीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित नेम कर प्रातही, पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी है मंत्रितु, संवत 64 जान, अस्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा।
शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बन माला, रुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्ये, प्रणवाक्षर के मध्ये, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय।